Hey there, this is Nidhi and welcome to online कक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपसे बोला था कि I will be coming up with the new topic that is methods of teaching। तो बिना डिले किए हुए हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। पहला मेथड्स ऑफ टीचिंग आई विल बी कवरिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग एंड और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेथड्स ऑफ टीचिंग पे जाने से पहले हम ये पता करते हैं, हम ये जानते हैं कि टीचिंग होता क्या है। सबसे पहले टीचिंग एक स्किल है, एक आर्ट है जो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ मिलके एक्टिविटीज़ करता है, करवाता है, सो दैट ही कैन और शी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ हिज और हर स्टूडेंट एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर द स्टूडेंट। ओके, सो उसके बिहेवियर में चेंज करना, उसकी थिंकिंग में चेंज करना, एक सेट ऑफ पैटर्न को फॉलो करके बच्चे के थिंकिंग, बिहेवियर एंड उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। तो सब फिर मेथड्स पे आते हैं। मेथड्स चार प्रकार के बेसिकली होते हैं। तो पहला मेथड है टेलिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज में डिफरेंस है। मेथड्स हम गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड्स। और स्ट्रैटेजीज को सेट ऑफ स्टेप्स दैट वी फॉलो फॉर अचीविंग द गोल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहला मेथड है टेलिंग मेथड। इसमें क्या आ जाएगा? लेक्चर, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? लेक्चर देते टाइम भी हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं, बोलते हैं। डिस्कशन में भी बच्चा इन्वॉल्व होता है, टीचर इन्वॉल्व होता है। स्टोरी टेलिंग में बच्चे का इमेजिनेशन पावर बढ़ता है और वो चीज़ों को इमेजिन करके, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अभी देखते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड आता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट विधि, इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चे को कोई पर्टिकुलर टास्क देता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए, सो दैट बच्चा इनकलकेट करता है, नॉलेज को सर्च करता है, कलेक्ट करता है और फिर वो प्रोजेक्ट सबमिट करता है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट बुक मेथड, दीज ऑल आर कमिंग इन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड में, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड, विजुअल मेथड। दिस इंक्लूड्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एनालिसिस स्टडी एंड सो ऑन। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन विधि, डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन विधि, एनालिसिस स्टडी का मतलब, विजुअल का मतलब उसका कहीं ना कहीं विजन उसमें इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं उसके ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा और टेलिंग मेथड के कंपैरिजन में। फिर आता है मेंटल मेथड। मेंटल मेथड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे संज्ञान से रिलेटेड होंगी, इसमें भी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एनालिसिस मेथड आ जाता है। फिर मूव करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज का मतलब मैंने बताया आपको कि सेट ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप्स को फॉलो करके जो हम अपना गोल अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो इसमें बेसिकली टू टाइप्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड सेकेंड इज डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी में टीचर सेंट, ऑटोक्रेटिक का मतलब, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इसको तोड़ के देखिए, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, क्रेटिक का मतलब रूल या सेंटर्ड, ठीक है। तो ऑटो एज द नेम सजेस्ट दैट इट इज टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। टीचर सेंटर्ड, इसमें टीचर कंट्रोल करता है अपने पीपल को, उसमें फ्रीडम नाम का सिर्फ 10% पीपल की फ्रीडम सिर्फ 10% कह सकते हैं होता है, नहीं तो ये टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है। टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में क्या क्या आ जाएगा? स्टोरी टेलिंग मेथड, इसमें
टीचर बताता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं। हाँ, इसमें इमेजिनेशन पावर बच्चे की बढ़ती है। लेक्चर मेथड में कहीं ना कहीं टीचर प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का प्रेजेंटेशन स्किल, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ये सब बढ़ेगा लेक्चर मेथड में। फिर आता है डेमोंस्ट्रेशन मेथड। इसमें टीचर डेमोंस्ट्रेट करता है बच्चे के सामने कुछ कुछ चीज़ों को, सो दैट बच्चा अच्छे से उस चीज़ मेथड को समझ सके। फिर ट्यूटोरियल मेथड में इसमें ग्रुप्स में कुछ कुछ बच्चे को पार्ट्स में, पूरे क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और एवरी ग्रुप इज हैंडल विद अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। और जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं वो एक टास्क को हैंडल करेंगे और उन ग्रुप्स को अलग अलग टीचर हैंडल करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ट्यूटोरियल मेथड होता है, ये भी एक ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड पे। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड इज अ चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, इसमें मेथड्स आ जाएंगे आपके इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, किंडरगार्टन मेथड, डिस्कशन मेथड, हेरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को आगमन और निगमन विधि भी कहते हैं। इनको एरिस्टोटल ने सबसे पहले वो किया था, बताया था, और ये प्रिंसिपल डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है और इसमें बच्चा काम मतलब करके सीखता है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस करता है। इंडक्टिव जो होता है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है इंडक्टिव में, और डिडक्टिव में मतलब पहले एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे फोकस करके फिर कॉन्क्रीट चीज़ों पे जाया जाता है। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ किंडरगार्टन मेथड। इसको फ्रेडरिक फ्रॉबल ने दिया था, मतलब ये मेथड जो है फ्रेडरिक फ्रॉबल के द्वारा दिया गया था, और इसमें इन्होंने इस मेथड को गार्डन ऑफ चिल्ड्रन भी बोला है, बच्चों का बगीचा भी बोला है, और ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज फोकस, बच्चा करके इसमें सीख रहा है, तो इसमें टीचर जब बच्चा उसके ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, वो जल्दी सीखेगा और अच्छा सीखेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है और ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, डाल्टन मेथड। डाल्टन इज द नेम ऑफ स्कूल, नॉट द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, ओके। सो इसको ठेका विधि या कॉन्ट्रैक्ट मेथड भी कहा जाता है और असाइनमेंट मेथड भी कहा जाता है। इसको हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये मेथड किसके द्वारा दिया गया था, तो हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। ये सारे मेथड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट मेथड्स दे दिए जाते हैं आपसे, साइंटिस्ट पूछ लिए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट पूछ लिए जाते हैं, और इसमें ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेथड या असाइनमेंट मेथड किसको कहा जाता है। इसमें जॉब कार्ड एक अलॉट होता है, उस जॉब कार्ड में हर स्टूडेंट को एक एक टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। इसमें सेल्फ एफर्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ चाइल्ड इज इन्हांस्ड। फिर आ जाते हैं इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसमें टीचर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को रेज करता है और बच्चा उसको सॉल्व करता है, और उसमें टीचर टेम्परेरी बेसिस पे उसकी हेल्प करता है, बट इसमें बच्चा पहले इन्वॉल्व होता है, उसमें सेल्फ डिस्कवरी करता है और फिर करके सीखता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हुआ, और ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे बेस्ड है साइकोलॉजी बेसिकली। ये इकोनॉमिक और स्पीडी स्ट्रैटेजी होती है जो कि H.P. आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई थी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट मेथड स्ट्रैटेजी पे, दैट इज माइक्रो टीचिंग मेथड। माइक्रो टीचिंग ये हमने अपने कॉलेज ट्रेनिंग के दौरान भी किया होगा, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये ड्वाइट एलन के द्वारा दिया गया था एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये
एक टेक्निक है जिसमें बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। बच्चा जो टीचर होता है वो रियल क्लास में उतरने से पहले वो ट्रेनिंग लेता है, मतलब उसकी तरह बच्चों की तरह अपने पीयर्स ग्रुप में, क्लास में टीचर, आप लोग भी गए होंगे उसमें, टीचर जाता है क्लास में और अपने एक प्रेजेंटेशन देता है अपने पीयर्स, फिर उसका फीडबैक दिया जाता है। तो इसमें पहले प्लान, टीच, फीडबैक, इसमें मेनली तीन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। पहले प्लानिंग होती है, फिर टीचिंग करा, टीचिंग पढ़ाता है, फिर उसके बाद फीडबैक मिलता है उसको, पीयर से, टीचर से सबसे फीडबैक मिलता है उसमें क्या गलतियां हैं, तो फिर वो रीप्लान करता है, रीटीच करता है, फिर रीफीडबैक दिया जाता है। और मेनली माइक्रो टीचिंग की शुरुआत इंडिया में डीडी तिवारी के द्वारा की गई थी 1967 में, जो कि इलाहाबाद से बिलोंग करते थे, ये एक साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। फिर इसमें टीचिंग बिहेवियर और स्किल इन स्मॉल ग्रुप सेटिंग एडेड बाई वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्ड होता है और इसमें टीचिंग स्किल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन आंसर मेथड पे, ये सॉक्रेट्स के द्वारा दिया गया था, ये एक ओल्डेस्ट मेथड है और इट इज़ द बेस्ट मेथड टू चेक हाउ मच अ पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक नॉलेज। इसमें कहा गया है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जो नॉलेज है वो बच्चे के अंदर खुद ही है, बस टीचर जो है वो गाइड करता है बच्चे को। फिर हम नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, सोशियोमेट्री मेथड, समाजमितीय विधि भी कहा जाता है इसको, और इसको सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है, सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ये जैकब एल मोरेनो के द्वारा दिया गया था और इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप, और इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो चॉइस, उनकी चॉइस होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, मोंटेसरी मेथड, ये सेंस बेस्ड टीचिंग है, इनको मारिया मोंटेसरी ने दिया था, और ये आइडिया देता है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बाय ऑब्जर्विंग देम, ठीक है। इसमें टीचर क्या होता है, टीचर ऑब्जर्व करता है बच्चे को कि सो दैट उस बच्चे को, बच्चों को टीचर बेहतर समझ पाए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम प्रोग्राम लर्निंग मेथड पे, ये बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें कहता है कि बच्चा सेल्फ इंस्ट्रक्ट करता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, बच्चा सेल्फ इंस्ट्रक्शन करेगा। इसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम होता है ये, और ऑटो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम होता है ये, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ मटेरियल पे फोकस करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, विनेटिका मेथड, ये कार्लटन वॉशबॉर्न के द्वारा दिया गया था और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिकुलम मटेरियल पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं हम, फाइव स्टेप लेसन प्लान पे। इसमें बेसिकली हम टीचर जो होता है उसको एक अच्छा टीचर तभी माना जाता है जब वो लेसन प्लान करके पढ़ाए कि आज भाई क्या पढ़ाना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देने हैं, फिर उसके बाद कल क्या पढ़ाना है। तो लेसन प्लान से टीचिंग बेहतर तरीके से होती है और उससे बच्चे का जो फ्लो है वो नहीं टूटता है और स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये दिया था जे एफ हार्बर्ट ने, और इसको हार्बेरुटियन मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, फाइव स्टेप प्लान्स में जो स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर करेगा टीचर, प्रिपेयर करेगा कि क्या क्या पढ़ाना है, फिर उसका प्रेजेंटेशन देगा, फिर उसको लिंक करेगा बच्चे से कि जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है क्या रियल लाइफ में बच्चे से एसोसिएटेड है, फिर उसका जनरलाइजेशन फॉर्म बच्चे के सामने पेश करेगा, फिर रिकैपिटुलेशन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड पे हम आ जाते हैं, स्क्रिप्ट ब्रेली मेथड पे, ये लुइस ब्रेली ने दिया था और ये एक टैक्टिकल राइटिंग सिस्टम है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको दिखता नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा मेथड है,
बहुत उपयोगी मेथड है ये। एक एम्बॉस्ड पेपर पे लिखा जाता है और 6 डॉट्स होते हैं मेनली। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो ब्रेली स्क्रिप्ट होता है उसमें कितने डॉट्स होते हैं, कितने कॉलम्स में होते हैं, तो 6 डॉट्स होते हैं, अरेंज्ड इन 2 कॉलम्स, 3 डॉट्स ईच। ठीक है, फिर हम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसका PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम बेसिक एजुकेशन पे। बेसिक एजुकेशन को हमारे महात्मा गांधी जी ने प्रमोट किया था, उन्होंने 1937 में वर्धा से स्टार्ट किया था। ठीक है, बेसिक एजुकेशन में उन्होंने मेनली फोकस किया था कि बच्चे को एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए सो दैट वो चीज़ों को जल्दी से जल्दी ग्रहण करे। ठीक है, होल रेंज ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन वेरियस सेटिंग दैट एम्स टू मीट बेसिक लर्निंग नीड्स। इसका मतलब यही है कि जो इसका एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो वो वेरियस सेटिंग्स में हो सो दैट बेसिक लर्निंग नीड्स को बच्चा मीट कर पाए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट मेथड्स पे, इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मेथड, इमिटेशन का मतलब ये होता है नकल करके या लोगों को देख के सीखना। ठीक है, और इस पे, इस मेथड पे अल्बर्ट बेंडूरा ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इन्होंने कहा कि जो बच्चा है उसके जो स्किल्स हैं उसको अलग अलग तोड़ के फिर बच्चा सीखता है। जैसे वो फैमिली में मम्मी पापा को देख के, पीयर्स अपने छोटे भाई बहन को देख के, बड़े भाई बहन को देख के, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो वो देख के सीखता है। ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया था कि जो स्किल्स हैं उनकी उसको मॉडल ऑफ टारगेट बिहेवियर, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनके स्किल्स पे प्रमोट किया जाए उनको। ठीक है, फिर आते हैं साइंटिफिक मेथड पे, जो कि वैज्ञानिक विधि जिसको कहा जाता है। ये फ्रांसिस जैकॉब वेकुन के द्वारा दिया गया था, और ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। मतलब जैसे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट्स कर करके फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वैसे ही सेम चीज़ें बच्चों पे भी अप्लाई होती हैं कि बच्चा पहले ऑब्जर्व करेगा, इंक्वायरी करेगा कि क्या क्या कैसे चीज़, इसीलिए हम लोग को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो इमेजिनेशन पावर होता है वो बढ़ता है, तो इससे बच्चे को बहुत उसका सोचने की, तर्क करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, उसमें बच्चा ग्रुप में काम करता है, तो टॉलरेंस, ग्रुप एक्टिविटी, कोऑपरेशन, एवरीथिंग विल बी इनहांस्ड। ओके, फिर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, ये स्टूडेंट्स पे बेस्ड है। फिर आते हैं प्रोजेक्ट विधि पे। प्रोजेक्ट विधि एक मॉडर्न विधि है। ठीक है, इसको WH किलपैट्रिक ने दिया था। ये बेस्ड है प्रैक्टिकलिटी पे और लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है। पीपल परफॉर्म कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटीज इन नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन में जो स्टूडेंट है हमारा वो कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, सोशल एक्सपोजर, इसमें सोशल एक्सपोजर वो होता है बच्चे को मिलता है, और इसमें एक्चुअली फ्रीडम बच्चे को मिलता है टू वर्क इंडिपेंडेंटली। बच्चा प्रोजेक्ट करेगा, ऐसे हमारे स्कूल के टाइम पे भी हमको मिला था माइलेज पे, 10 गाड़ियों का माइलेज हमको नोट करना था, उसका प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखना था। तो हम लोग भी ट्रक के सामने जाके, गाड़ियों के सामने जा जाके घूम घूम के सर्वे किए थे। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। फिर आता है रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड में इसमें बच्चा जो है एक टीचर का रोल प्ले करता है, और फिर उसमें टीचर बताता है कि क्या कमी थी, क्या क्या अच्छा किया उसने, तो उससे क्या होता है बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ती है और बच्चे का कोऑपरेशन लेवल बढ़ता है, इससे बच्चे सोशली इंटरैक्ट कर पाते हैं। और रोल प्ले मेथड जो दिया था जैकॉब एल मोरेनो ने दिया था, और ये बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग पे। फिर आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हमारा। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, इसमें एक बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे को टास्क दिया जाता है और
उसमें बच्चा खुद ही उसको ऑब्जर्व करके चीज़ों को एनालाइज करके खुद करता है। तो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा जाता है। इसको एलेक्स फैटनी ऑसबॉर्न ने दिया था। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल बच्चे का ओरिजिनल आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिनल आइडिया बच्चे का डेवलप होता है इसमें। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ न्यू चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और हाँ प्लीज़ ये भी बता दीजिएगा कि जहाँ कमी होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं और इम्प्रूव करूँ। और भी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी पेंटैब वगैरह नहीं है, तो इसलिए PPT बना के मैं कर रही हूँ। कुछ दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएगा अगर आपका साथ बना रहेगा तो। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, अ टीचर एंगेजेस हर लर्नर इन अ ग्रुप ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज सच एज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती है, जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट। तो इससे क्या मतलब है, मतलब किस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं टीचर। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, या फिर कॉम्पिटिशन बेस्ड लर्निंग। तो लर्निंग एज थ्रू रिक्रिएशन, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ग्रुप से आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा है। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग। लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग का इसमें कोई वो नहीं है। कॉम्पिटिशन बेस्ड, GD में नहीं होता कॉम्पिटिशन बेस्ड। उसमें GD में क्या होता है, 7 बच्चे बैठेंगे, एक टॉपिक दिया जाएगा, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे, तो बाद में लास्ट में एक कॉन्क्लूशन निकल के आएगा कि क्या हुआ था। इसमें बेसिकली सबको बोलने का मौका मिलता है, सबकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती हैं। तो इससे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन, सोशल कोऑपरेशन बच्चों में बढ़ेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करती है टीचर, एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग, फिजिकल एक्टिविटीज अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करती हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, पहला फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट। क्या ये इफेक्टिव असेसमेंट को फैसिलिटेट करता है, क्या ये रिलीफ देता है टीचर को, क्या ये प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर, मतलब कहीं ना कहीं लर्नर को डाइवर्ट करता है, अब बताइए। फिर नेक्स्ट आता है, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इन्हांस लर्निंग। यस, दिस इज द राइट आंसर, यूटिलाइजेस। इसमें क्या है, ऑडियो सुन रहा है बच्चा, विजुअल देख रहा है बच्चा, जहाँ पे मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स का, मैक्सिमम सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पे बच्चा जल्दी सीखेगा और अच्छा सीखेगा। तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेज इज। सबसे ये क्वेश्चन ये है कि जो इन्फेंसी एज में सबसे अच्छा मेथड टीचिंग का कौन सा होगा। तो पहला है मॉन्टेसरी मेथड, दूसरा है प्लेवे मेथड, तीसरा है किंडरगार्टन मेथड, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था दिस इज डेमोक्रेटिक मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इस फोकस्ड। तो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें, बच्चा इसमें करके सीखता है, बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, प्ले वे में बच्चा खेल कूद के सीखता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हो जाएंगे इन्फेंसी स्टेज के। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थियरी। तो इसमें पहला ऑप्शन है, एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। क्या इसमें बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद वो कंस्ट्रक्ट करता है, सो दैट वर्ल्ड का, सो दैट ही कैन डेवलप हिज थिंकिंग एंड थिंक इन अ डिफरेंट वे।
फिर बी है एम्फेसाइजेस ऑन मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग रोट लर्निंग को कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं करता, तो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सी ऑप्शन है आपका एम्फेसाइजेस ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ टीचर, सॉरी यहाँ पे रोल है, रोल ऑफ टीचर, तो इसका मतलब है कि इसमें एम्फेसाइज करता है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर का, बिल्कुल भी नहीं। फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, मतलब नकल करने पे फोकस करता है कंस्ट्रक्टिविज्म, बिल्कुल भी नहीं। सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। रोल ऑफ टीचर इन अ क्लास इज टू फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टिक टू द कोर्स, बिल्कुल भी नहीं कि टाइम टेबल फॉलो करेंगे और कोर्स ख़त्म करके सब चीज़ें बच्चे को समझ में आना चाहिए, तो दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग रीजन। देन बी ऑप्शन प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट डिपेंडेंट थिंकिंग इन अ स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा ऑथेंटिक लर्निंग का और फैसिलिटेट बच्चों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को फैसिलिटेट करेगा टीचर, क्या ये होगा, तो देखते हैं। फिर सी ऑप्शन है फिल द स्टूडेंट विद हर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता, इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ, बच्चा कितना सीखा, दैट इज फोकस्ड मेनली। फिर आता है डी ऑप्शन, तो ये भी गलत हो गया। फिर डी आता है ऑप्शन ट्रांसमिट नॉलेज एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर, बिल्कुल भी नहीं, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, पहला है प्रोजेक्ट, दूसरा है हेरिस्टिक, तीसरा है डिस्कवरी, चौथा है ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर आता है सेवेंथ पे द पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू लर्न एंड प्रैक्टिस गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि फीडबैक देने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, लर्न किया जाता है, देखते हैं। टू बी यूज्ड एज अ टूल फॉर टीचर प्रिपरेशन, देखते हैं, टीचर के प्रिपरेशन का टूल है एक माइक्रो टीचिंग। फिर सी ऑप्शन है टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड स्किल इन टीचिंग, कॉन्फिडेंस इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है, सही तो वो सारे लग रहे होंगे बट सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, दैट यू विल हैव टू आंसर। तो टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड स्किल इन टीचिंग, गलत, डी है ऑल ऑफ दीज, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट, टीचर शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट। ठीक है, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उसको टीचर को स्टडी करना चाहिए, ये क्या इंडिकेट करता है, पाथवे फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, नीड फॉर डिफ्रेंशिएटेड करिकुलम, फिर सी ऑप्शन एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, फिर डी है रेमेडियल स्ट्रैटेजी नीडेड। जब तक टीचर को पता नहीं चलेगा कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, तब तक रेमेडियल स्ट्रैटेजी कैसे टीचर अपनाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर, इसमें रेमेडियल स्ट्रैटेजी नीडेड।